Friends, after the last session, we studied about the. We started already the asset-based topic. So now we are going to further proceed about what exactly the assets and bases. हम लोग इस टॉपिक में क्या सीख रहे हैं एसेट बेस के बारे में. हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में लास्ट पांच में ये कवर किया था कि एग्जैक्टली एसेट क्या होता है बेस क्या होता है डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड बेस. सो एसेट्स आर सॉलिडेस्ट एंड बेस हैव द बिटर टेस्ट. लिटमस पेपर के बारे में भी देखा था. सो ओके सो वीडियो आप लोग फिर से एक बार रिवाइज करो पार्ट रिवाइज करो दैट इज मोर बेनिफिशियल टू यू. ओके सो नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट एज अ कॉमन एसिड जो जनरली अपने एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूअसली यूज होते हैं दैट वी कॉल इट एज अ कॉमन एसिड. कौन कौन से एग्जाम्पल से कॉमन एसिड हुई सो दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट. सो फर्स्ट है एसिटिक एसिड. फर्स्ट वन इज व्हाट एसिटिक एसिड फॉर्मूला है CH3COOH. ये केमिकल फॉर्मूला है एंड इट्स केमिकल नेम. इट्स अ केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल नेम. सो एसिटिक एसिड इट्स अ CH3COOH. CH3COOH आप लोग ये फॉर्मूले सर कैसे आ गए. सो इन 11th स्टैंडर्ड यू हैव द डिटेल्स अबाउट एसीटेट है एसीटेट ग्रुप क्या होता है कीटोन क्या है ईथर क्या है वो आप लोगों को ईस्टर क्या होता है वो आप लोगों को क्या है 11th स्टैंडर्ड में डिटेल में है. दिस ईयर यू ओनली रिमेंबर दैट कि जो जनरली कंटिन्यूअसली टॉपिक में आने वाले हैं एंड यू गेट अ क्वेश्चंस. ये जो नाम दिए आगे मैंने उसको दूसरे नाम से भी बोला जाता है उसके ऊपर भी एमसीक्यूज आपको जनरली आते हैं. सो एसिटिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड एज अ विनेगर. इसके ऊपर एमसीक्यू आता है. एसिटिक एसिड का दूसरा नाम क्या है विनेगर एंड इसको एसिटेट भी बोला जाता है और विनेगर बोलते हैं एसिटिक एसिड. उसके बाद में एसिटिल साइलिसिलिक एसिड. नेक्स्ट वन इज व्हाट एसिटिल साइलिसिलिक एसिड. फार्मूला तो बहुत लंबा है ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है सिर्फ आपको याद रखना है उसको बोलते हैं एस्पिरिन. एस्पिरिन जो दवाई है आप लोग बोलते हैं कि एस्पिरिन की टैबलेट लिया है. सो मींस व्हाट दैट इज अ एसिटिल साइलिसिलिक एसिड. फार्मूला HOOCCH4 है OOCH3 दैट इज व्हाट इज एस्पिरिन. ये याद रखना एस्पिरिन दैट इज व्हाट इज एसिटिल साइलिसिलिक एसिड. नेक्स्ट वन एस्कॉर्बिक एसिड. सो एस्कॉर्बिक एसिड H2C6H6O6 उसको बोलते हैं विटामिन सी. विटामिन सी इज आल्सो कॉल्ड एज एस्कॉर्बिक एसिड. एस्कॉर्बिक एसिड वी कॉल इट एज अ विटामिन सी. नेक्स्ट वन है कार्बोनिक एसिड. नेक्स्ट है कार्बोनिक एसिड. फार्मूला भी याद रखो कार्बोनिक एसिड है H2CO3 है. क्या है H2CO3 वो सॉफ्ट ड्रिंक्स में नहीं तो सेल्जियर वाटर्स मतलब सैनिटाइजर वगैरह जो है उसमें भी हम लोग देखते हैं कि कार्बोनिक एसिड होता है. सो दैट इज व्हाट सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं तो सेल्जियर एसिड सैनिटाइजर्स में. नेक्स्ट वन है साइट्रिक एसिड. साइट्रिक एसिड C6H8O6. साइट्रिक एसिड किसमें होता है सिट्रस फूड्स में मतलब नींबू हो गया अगेन ऑरेंज हो गया. सो लाइक दैट. सो दैट हैविंग द क्या होते हैं जो खट्टे हैं दैट हैविंग द व्हाट साइट्रिक एसिड. उसके बाद में है आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग में भी यूज किया जाता है साइट्रिक एसिड. नेक्स्ट वन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl. ऑलरेडी स्टडीड अबाउट स्ट्रांग एसिड वीक एसिड वो क्लासिफिकेशंस में भी देखा. सो दैट इज अ स्टमक एसिड. अपने बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस में हम लोगों ने देखा था कि स्टमक में HCl होता है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज कॉल्ड एज स्टमक एसिड भी बोलते हैं. नेक्स्ट वन है नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर्स में नहीं तो एक्सप्लोजिव्स में जो एक्सप्लोजिव्स है नहीं तो फर्टिलाइजर्स है उसमें आप लोगों को ज्यादातर नाइट्रिक एसिड दिखाई देता है. उसके बाद में सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4. सल्फ्यूरिक एसिड कार बैटरीज में जो होता है इसके ऊपर भी एमसी का है. कार बैटरीज में कौन से टाइप का एसिड होता है दैट इज व्हाट सल्फ्यूरिक एसिड. ये स्ट्रॉन्ग एसिड है. ओके उसके बाद में हम लोग अभी ये जनरली यूज होते हैं कॉमन एसिड इसके नाम आपको लर्न ही होने चाहिए केमिस्ट्री में जिसके पास केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में वोकैबुलरी चाहिए. सो ये स्पेसिफिक नाम से उसको केमिकल नेम से बोला जाता है ये केमिकल फॉर्मूला है तो आपको केमिकल नाम एंड उसके साइंटिफिक नाम जो दिए हैं वो भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एसिड. अभी टाइप्स ऑफ एसिड हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड वो भी देखा था वो फिर से देखने वाले हैं. अगेन डाइल्यूट एसिड है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है वो भी उसके टाइप्स है. अगेन सॉलिड लिक्विड गैस के हिसाब से भी टाइप्स है लेकिन एज पर द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड एज
as per the base of the origin, जिसका एसिड का ओरिजिन जहां से हो चुका है, बेस्ड ऑन द ओरिजिन। ये ज्यादातर आपको क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन एमसीक्यूज और इंटरव्यूज में ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड बेस्ड ऑन द ओरिजिन, बेस्ड ऑन द ओरिजिन पहला टाइप है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा है मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड बेस्ड ऑन द ओरिजिन एसिड्स आर क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकंड क्लास ऑफ मिनरल एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड्स मतलब क्या होते हैं, एसिड्स डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स से जो एसिड डिराइव हो चुके हैं, तो एसिड्स व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स, वहां से जो डिराइव हो चुके हैं आर व्हाट इज ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड व्हिच इज रिलेटेड टू द लिविंग थिंग्स वी कॉल इट एज अ ऑर्गेनिक एसिड। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या है, लिविंग थिंग्स है। So they are weak acids, generally क्या होते हैं, weak acids होते हैं। Strong acid और weak acid आप लोगों ने word सुना है। Strong acid मतलब क्या करते हैं, जो ज्यादा H plus ion देते हैं। Weak acid मतलब जिसकी tendency H plus ion देने की कम है as compared to the strong, so that is called as a weak acids। So ये generally क्या होते हैं, weak acids are not harmful for living organism, harmful नहीं होते living organism। So for example, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन फ्रूट्स, फ्रूट्स मतलब नींबू है, ऑरेंज है, उसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। उसके बाद में एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। उसके बाद में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो, टोमेटो में भी एसिड होता है, दैट टू कॉल्ड एज अ एसिड व्हिच कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड। टोमेटो में जो होता है दैट टू कॉल्ड एज अ ऑक्सैलिक एसिड, नाम याद रखो। इसके ऊपर भी एमसीक्यूज आते हैं, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, दैट्स कॉल्ड एज ऑक्सैलिक एसिड। उसके बाद में टार्टारिक एसिड, इमली पता है, पानी आता होगा आपको, नाम सुनते ही क्या आएगा, पानी आएगा। उसका नाम है टार्टारिक एसिड व्हिच इज प्रेजेंट इन अ टैमरिंग, मींस व्हाट, इमली में होता है। उसके बाद में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन अ मिल्क, दैट इज सॉर मिल्क और द कर्ड, दही, दूध, दाल, कॉलोनी, सो व्हाटएवर इट मे बी, सो दैट हैव इन द व्हाट, व्हिच टाइप ऑफ एसिड, लैक्टिक एसिड। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एसिड। The acids which is present in living things, that is plants and animals, that we call it as a organic acid. Hope you understood. So next one, example देख सकते हैं, citric acid किसमें होता है, नींबू है, again different oranges है, जो थोड़े से खट्टे होते हैं, उसमें क्या होता है, citric acid। Acetic acid present in vinegar, oxalic acid present in tomato, tartaric acid present in tamarind, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन सॉर मिल्क एंड कर्ड। उसके बाद में सेकंड टाइप है एज पर द ओरिजिन मिनरल एसिड, हम लोग बोलते हैं मिनरल एसिड क्या है, ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक एसिड क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सो मिनरल एसिड दे आर आल्सो कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक एसिड। ये ऑर्गेनिक हो गए, ऑर्गेनिक हो गए, दूसरा क्या बचता है, सफिशिएंट हो गया, तो आप लोग बोलते हैं इनसफिशिएंट। सो मींस व्हाट, ऑर्गेनिक हो गया तो इनऑर्गेनिक, सो व्हाट इज इनऑर्गेनिक एसिड, दैट्स आल्सो कॉल्ड एज मिनरल एसिड। So they are also called as an inorganic acid. इसके ऊपर MCQ आता है। Mineral acid भी also called it as an inorganic acid. They are dangerous and corrosive. ये क्या होता है? Dangerous है and corrosive है। ये देखो, ये क्या होता है? Which is not harmful for the animals. Living things के लिए harmful नहीं है organic acid. लेकिन it's a dangerous and corrosive होती है। Special precautions have to taken while handling them. इनको handle करते समय precautions लेना पड़ता है। डायरेक्टली हाथ भी लगा सकते हैं, इट्स अ डेंजरस टू अवर हेल्थ एज वेल। सो फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो बैटरीज में है, सल्फ्यूरिक एसिड कार बैटरीज में होता है, डायरेक्टली हाथ नहीं लगा सकते, इट्स अ डेंजरस, सो दैट्स व्हाई सम एक्सीडेंट होने के चांसेस है। सो दैट्स व्हाई रिमेंबर दैट मिनरल एसिड्स आर डेंजर एंड कोरोसिव। सेकंड वन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अपने बॉडी में भी ज्यादा एसिड हो गया तो क्या होता है, एसिडिटी होता है। सो मींस व्हाट, वी फेस अ ट्रबल एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड। So this is the first classification or types based on the acid. आप लोग ये books में थोड़ा shortcut shortcut में दिया होता है, लेकिन मैं detail broad view में बोल रहा हूँ, because एक भी MCQ में भी mark नहीं जाना चाहिए। Hope you understood this terminology which is related to the types of acid. So हम लोगों ने common acid देखे, उसके नाम अच्छी तरीके से read कर लो, लिख लो, directly by heart पता ही होना चाहिए। Acetic acid इसको बोलते हैं।